Let's start our class, Class-1st, Subject-E.V.S. Previous lecture में हमने आपको chapter 13 explain कर दिया था और उसका book and copy work भी write करवा दिया था. आज हम लोग start करेंगे chapter 14. Chapter 14 का name है Our Wonderful Earth. Lovely color and around, yellow, green, red and brown. Clear blue waters reflect my crown. Birds chirp at the crack of dawn. तो आइए देखते हैं इसमें हमारा दिया चैप्टर का नेम है वंडरफुल अर्थ द अर्थ. तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अर्थ क्या है. अर्थ इज आवर होम. अर्थ जो है वो क्या है, हमारा होम है. यानी अर्थ पे ही हम अपना घर बना के क्या करते हैं, रहते हैं. इट इज राउंड लाइक ह्यूज बॉल. ये एक बड़े गेंद के समान है. ये कैसा है, राउंड है. देखिए ये अर्थ है, कैसा दिख रहा है आपको, राउंड दिख रहा है, गोल दिख रहा है. ये एक गेंद के समान है. द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ वाटर एंड सम लैंड मासेस. अर्थ जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, ये वाटर और कुछ लैंड से मिलकर के बना हुआ है. इसमें कुछ पार्ट इसका वाटर है और कुछ पार्ट इसका क्या है, लैंड है. द एंटायर अर्थ इज कवर्ड बाई अ लेयर ऑफ एयर. जो हमारा अर्थ है वो एयर के एक लेयर से क्या है, कवर्ड है. लैंड, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लैंड. ऑल द ग्राउंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लैंड. अर्थ पे जितना भी ग्राउंड पाया जाता है उसे हम लोग लैंड कहते हैं. वी बिल्ड आवर होम्स एंड लिव ऑन लैंड. हम लोग लैंड पे ही अपना घर बनाते हैं और वहाँ पे रहते हैं. मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो लिव ऑन लैंड. बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स भी लैंड पे ही रहते हैं. यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं जो लैंड पे ही क्या होते हैं, ग्रो करते हैं. यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी दिख रहे हैं, ये भी कहाँ रहते हैं, लैंड पे ही रहते हैं. और लैंड पे ही हम लोग क्या करते हैं, हाउस को बनाते हैं और वहाँ पे हम लोग रहते हैं. लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर. हर जगह का जो लैंड होता है, हर जगह की जो सॉइल होती है वो एक टाइप की नहीं होती है. वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप्स की होती है. सम पार्ट्स ऑफ लैंड आर फ्लैट. लैंड का कुछ पार्ट जो होता है वो फ्लैट होता है. आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है लैंड का, ये फ्लैट है. फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड प्लेन्स. फ्लैट लैंड जो होता है उसे हम लोग प्लेन्स कहते हैं. क्रॉप्स ग्रो वेल हियर. और यहाँ पे क्रॉप्स जो होते हैं वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं. यहाँ पे खेती आसानी से की जा सकती है. नेक्स्ट, सम पार्ट ऑफ लैंड राइज एबव टू फॉर्म माउंटेन्स एंड हिल्स. कुछ लैंड जो होते हैं वो माउंटेन्स एंड हिल्स से हिल्स की तरह उभरे हुए होते हैं. दे आर कोल्ड एरियाज एंड मोस्ट ऑफ देम आर कवर्ड विथ स्नो. ये ऐसे जो लैंड होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो कोल्ड एरिया होते हैं. यहाँ यानी कि जहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ का जो लैंड होता है वो इस टाइप का होता है. देखिए उभरा हुआ होता है. और दे आर कोल्ड एरियाज मोस्ट ऑफ देम आर कवर्ड विथ स्नो. और ये किससे ढका होता है, स्नो से, यानी बर्फ से ही क्या होता है, ढका हुआ होता है. सम पार्ट्स ऑफ लैंड आर हॉट एंड ड्राई. कुछ लैंड्स जो होते हैं, लैंड का कुछ पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, हॉट होता है एंड ड्राई होता है. दे आर कॉल्ड डिजर्ट. इन्हें हम लोग डिजर्ट कहते हैं. नॉट मैनी प्लांट्स ग्रो हियर. और ये इसलिए डिजर्ट में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते हैं. वैलीज आर फॉर्म्ड बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल्स. वैली जो होता है ये भी लैंड होता है, लेकिन ये कहाँ पर पाया जाता है, माउंटेन्स और हिल्स के बीच में पाया जाता है. देखिए इसके दोनों तरफ आपको माउंटेन दिखाई दे रहा है और इसके बीच में क्या है, आपको लैंड दिखाई दे रहा है, जो इसको हम वैलीज कहते हैं. टीना सेयर्स. टीना कैट यहाँ पे कुछ शेयर कर रही है, आइए उसको देखते हैं. ऑन माउंटेन्स वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्नो. जो माउंटेन वाटर होता है वो स्नो के फॉर्म में पाया जाता है. वाटर, नेक्स्ट है वाटर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. ऑल लिविंग थिंग्स को
सर्वाइव करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है. मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. और अर्थ का मोस्टली जो पार्ट होता है वो वाटर से कवर्ड है. सम प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर. कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो वाटर में लिव करते हैं. तो वाटर में लिव करने वाले प्लांट्स को वाटर लिविंग प्लांट और वाटर में लिव करने वाले एनिमल्स को वाटर लिविंग एनिमल्स कहते हैं, या एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट भी कहते हैं. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. रेन जो है वो फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है. फ्रेश वाटर इज फाउंड इन पॉन्ड्स लेक्स एंड रिवर्स. फ्रेश वाटर जो है वो पॉन्ड्स लेक्स एंड रिवर्स में पाया जाता है. वी कैन ड्रिंक दिस वाटर एंड यूज इट फॉर अदर पर्पज. हम लोग इस वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं और अदर पर्पज के लिए भी इस वाटर का यूज कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है, इसमें से जो कुछ एनिमल्स हैं ये वाटर में रहते हैं, इन्हें हम लोग वाटर लिविंग एनिमल. और कुछ प्लांट्स भी है जो वाटर में रहते हैं, जैसे कि लोटस एनिमल में, जैसे कि फिश. तो ये वाटर लिविंग एनिमल्स या वाटर लिविंग प्लांट कहलाते हैं. इन्हें हम लोग एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल भी कहते हैं. अब यहाँ पे देखिए आपका ये पॉन्ड का फिगर है, ये आपका पॉन्ड है, ये लेक और ये रिवर. द वाटर इन द सी एंड ओशियन इज साल्टी. सी और ओशियन का जो वाटर होता है वो कैसा होता है, साल्टी होता है. वी कैन नॉट ड्रिंक एंड यूज दिस वाटर. इसलिए हम लोग ओशियन और सी के वाटर को यूज नहीं कर सकते और ना ही उसे ड्रिंक कर सकते हैं. तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसको समझेंगे. और अभी तक मैंने जितना भी आपको एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए उसको देखते हैं. वेयर वुड यू लाइक टू मेक योर होम, टेक योर चॉइस. आप कहाँ पे अपना होम बनाना चाहते हैं उस पर आप टिक करेंगे. इन माउंटेंस, इन अ डेजर्ट, इन प्लेन्स, इन वैली. तो कहाँ पे बनाना चाहते हैं इनमें से चारों में, जहाँ पे भी आप अपना होम बनाना चाहते हैं वहाँ पे टिक करेंगे. तो हम इन प्लेन्स पे टिक कर दे रहे हैं. राइट फोर वेज इन विच यू यूज वाटर. आप वाटर को यूज करने के फोर वे बताइए. तो यहाँ पे आप लिख देंगे ट्री, एनिमल्स फील्ड. अब नेक्स्ट टॉपिक है एयर. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर जो है वो हमारे चारों तरफ पाया जाता है. वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील इट. हम लोग एयर को सीन नहीं कर सकते बट इसे ओनली फील कर सकते हैं. वी ब्रीथ एयर टू स्टे अलाइव. हम लोग एयर को सांस लेने में एयर के यूज करते हैं. बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. बर्ड जो है वो एयर में ही फ्लाई करते हैं. हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स एंड ग्लेडर्स टू मूव इन द एयर. हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स एंड ग्लेडर्स भी एयर में ही मूव करते हैं. ये देखिए ये आपका एरोप्लेन है. एयर इज यूज टू अस. एयर जो है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है. एयर हेल्प अस टू ड्राई थिंग्स. एयर जो है वो हमारी चीज़ों को सुखाने में भी हमारी हेल्प करता है. हेलीकॉप्टर और ये ग्लेडर का फिगर है. ये देखिए यहाँ पे जो एयर है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है. ये हमें कपड़े सुखाने में भी हमारी हेल्प करता है. एयर कैन मूव थिंग्स. एयर जो है वो थिंग्स को, चीज़ों को मूव करने में भी हेल्प करता है. जैसे कि जब हम लोग काइट को क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, तो एयर जो है उसको मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है. और बैलून्स को भी मूव करने में एयर जो है वो हेल्प करता है. एयर गिव्स शेप टू थिंग्स. एयर जो है वो किसी थिंग्स को शेप देने का भी वर्क करता है. जैसे कि ये टायर है, टायर में जब हम लोग हवा को क्या करते हैं, भरते हैं, तो ये इसका शेप देखिए. और जब टायर से हम लोग साइकिल का
टायर आप लोग देखे होंगे, साइकिल के टायर से जब हवा निकाल दिया जाता है जो उसका जो टायर होता है वो कैसा होता है, ऐसा हो जाता है, पिचक जाता है, और जब हम लोग हवा भरते हैं तो वो कैसा हो जाता है, टाइट हो जाता है, वो अपना एक शेप ले लेता है। जैसे कि जब हम लोग गुब्बारे में क्या करते हैं, हवा को डालते हैं, एयर को पुश करते हैं, तो जो हमारा गुब्बारा होता है वो कैसा हो जाता है, फूल जाता है, और जब हम लोग इससे हवा निकाल देते हैं तो हमारा जो गुब्बारा होता है वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।